की बात है हम सबके लिए। आज हमारे बीच में यशराज फिल्म्स, आपने सुना है, पिक्चर्स देखते हैं आप लोग, पिक्चर्स देखते हैं यशराज फिल्म्स जो हमेशा लव स्टोरीज बनाते हैं। सुल्तान किसने देखी थी? सुल्तान, दिल तो पागल है, फैन, शाहरुख खान की। उसी तरह से अभी उनकी एक है जो है कैदी बंद, फिल्म उनका नाम है, और उनके एक्टर्स हैं आधार जैन और आन्या सिंह, जो पच्चीस चले और आपका बहुत थैंक यू सो मच। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे आके फ्लैग होइस्ट। जेल में है। हमने कुछ ना कुछ बुरा किया है इसलिए हम जेल चले गए हैं, तो हमारी सिर्फ उसके बारे में है। आप सबको म्यूजिक पसंद है? हाँ, तो हम ना जेल में बैंड बना देते हैं और उसके साथ हमारी कहानी शुरू होती है इस बैंड के साथ। और क्या क्या होता है वो तो आपको देखने आना पड़ेगा, लेकिन ये 25 अगस्त को हाँ प्लीज आकर देखिए। हाँ बहुत ही मजेदार पिक्चर है, आओगे ना? ओके थैंक यू। म्यूजिक पसंद है ना? हाँ तो म्यूजिक के लिए आओगे ना? हमें देखने आएंगे तो बस प्लीज आइए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ। ओके आई एम इंडिया भारत माता की जय। आपको भी मस्ट थैंक यू फॉर कमिंग डाउन ओवर हियर। आज आप लोग यहाँ पर आए, यू स्पेड योर टाइम एंड इंटरेक्टेड विद द चिल्ड्रन। वी मस्ट थैंक यू एंड सेव द चिल्ड्रन फॉर कॉलिंग अस हियर। बहुत ही स्पेशल था, सारे बच्चे इतने स्वीट हैं, इतने लविंग हैं एंड दे आर सो कूल यार, यू नो देयर एनर्जी इज अमेजिंग। सो वी रियली फील स्पेशल टू बी हियर, यू नो। एंड इतना प्यार मिला फ्रॉम द मोमेंट वी एंटर, वो ड्रम्स बजा रहे थे और हाँ बहुत बड़ा वेलकम था। जो प्यार हमें मिला यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें। बच्चे बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं तो उनका प्यार सबसे ऑनेस्ट और प्योर होता है, तो हमें बहुत मज़ा आया। बिल्कुल आई थिंक क्योंकि यहाँ पे भी एक असेंबली हॉल था, फ्लैग हॉइस्टिंग भी थी यहाँ पे, और हमारे स्कूल में भी असेंबली हॉल्स होते थे, फ्लैग हॉइस्टिंग होती थी, मार्च पास होता था, तो इट वाज द सेम, यू नो इट ब्रॉट बैक लॉट ऑफ फॉन्ड मेमोरीज फॉर बोथ ऑफ अस। बहुत यादें वापस आ गई। बिल्कुल अब थोड़े बड़े हो गए अब स्कूल में नहीं है, लेकिन इट फेल्ट रियली नाइस टू कम बैक एंड स्पेंड आवर डे लाइक दिस, क्योंकि इट फील्स लाइक वी हैव डन समथिंग वर्थवाइल। और देने से ही कुछ मिलता है, और उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है कि हम थोड़ा सा उनके लिए, वो जो स्माइल उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है उनकी स्माइल। बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। और मैं मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बार बार आने वाला हूँ यहाँ पे। बिल्कुल लाइक आई सेड पहले ही, माना शेट्टी हु एक्चुअली रन्स द स्कूल सेव द चिल्ड्रन इज़ अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी ऑलवेज टोल्ड मी कि आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। एंड मैं शूटिंग में बहुत ही बिजी था, लेकिन इट्स सो स्पेशल टुडे, स्वतंत्रता दिवस पे हम दोनों यहाँ पे आए हैं, सो वेरी हैप्पी टू बी हियर। क्योंकि वो उनकी स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो हमको इतना अच्छा लगेगा। और हाँ थोड़े उनके पास प्रॉब्लम्स है, इम्पेयर्ड है या डिसेबल्ड है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है हमें, तो उनको भी सेम हैप्पीनेस देना चाहिए जो किसी और बच्चे को मिलती है। तो वो मेरे लिए थोड़े ज़्यादा स्पेशल है, मेरे हार्ट के थोड़े ज़्यादा करीब है। जब यू नो समवन हैज़ अ डिसेबिलिटी You feel more for them, लेकिन अच्छा लगा सबसे। और वो कितना एक्साइटेड थे, सब थैंक यू बोल रहे थे सब लोग, हाँ और सब डांस कर रहे थे, इतना मजा ले रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हमें थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छी हमारी पिक्चर कैदी बैंड से एक बहुत ही सुपर्ब गाना है जिसका आई कांट इतना तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन है सुपर्ब गाना क्योंकि एक सेलिब्रेशन है इंडिया का, और गाने का नाम है आई एम इंडिया। तो व्हाट बेटर डे टू सेलिब्रेट विद देम, और हम सब लोग के साथ नाच रहे थे एंड दे वर आल्सो सो एक्साइटेड, तो बहुत मजा आया। बड़ा मजा आ रहा था, मैं देख रही थी आप भी बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे, साइड से आप डांस कर रहे थे, आपको भी आना चाहिए था साथ में। आई विश हमें थोड़ा और टाइम मिलता उनके साथ, क्योंकि लड्डू लेके तो वो चले गए हमने सोचा कि थोड़ा और टाइम मिलेगा, लेकिन ठीक है नेक्स्ट टाइम हम वापस आ जाएंगे इसके लिए। 10 दिन रह गए फिल्म के जी, लगता नहीं है बिल्कुल नहीं लेकिन हाँ 10 दिन रह गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ईगरनेस है देखने के लिए लोग क्या सोचेंगे। हमने एक्चुअली पिक्चर अभी तक देखी नहीं है, नहीं। तो हम देखने वाले हैं, शनिवार को देखने वाले हैं। तो हाँ, नर्वसनेस तो है, बढ़ रही है अभी, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पहली पिक्चर है, इट्स अ बेबी ड्रीम है, तो आई जस्ट होप कि लोग आके हमारी पिक्चर को अप्रिशिएट करें और आके देखिए। और इतने अच्छे इमोशंस हैं, कम से कम हमारी सबकी दुआएं और शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका करियर और भी लंबा रहे, अच्छी फिल्में करें, ये फिल्म सफल हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वन थिंग इज यू हैव ट्रू इमोशंस एंड ट्रू हार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।